चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के, जहां पर शिवपुरी में सिंध जलावर्धन योजना का काम चल रहा है। पाइपलाइन में फंसी मिट्टी को निकाल रहे एलएनटी कंपनी के 5 मजदूर मिट्टी के ढेर में दब गए हैं, जिनमें से 4 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, तो वहीं एक मजदूर अभी भी मिट्टी में दबा हुआ है। घायल हुए 4 मजदूरों को कोलारस स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। दरअसल कोलारस विधानसभा में सिंध जल आवर्धन योजना के तहत पानी पहुंचाने का कार्य चल रहा है। इस कार्य को एलएनटी कंपनी कर रही है। कार्य में तेजी के साथ पानी की पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 4 लेन हाईवे किनारे स्कूल के पीछे सिंध जलावर्धन योजना की पाइपलाइन में फंसी मिट्टी निकालने का कार्य एलएनटी कंपनी के 5 मजदूर दूर कर रहे थे, और इसी दौरान जेसीबी से खोदकर मिट्टी निकाली गई। मिट्टी का एक हिस्सा 5 मजदूरों के ऊपर भरा भरा कर गिर गया, जिसमें सभी 5 मजदूर दब गए थे। घटना गड्ढे के ऊपर खड़े अन्य मजदूरों ने देख ली और इसकी सूचना तत्काल मैनेजर को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सहित प्रशासनिक अमले ने रेस्क्यू का कार्य शुरू कर दिया है। सीएमओ ने मुझे अभी सूचना दी थी 1 घंटे पहले, एक हादसा हो गया टोल टैक्स के प्रति कोलारस पब्लिक स्कूल के बाईपास पर। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो एल एन टी पाइपलाइन बिछा रही है, उसके बच्चे रस्में से कुछ मजदूर दब गए हैं। तो मौके पर देखा है कि 5 मजदूर को सुरक्षित निकाल लिए, एक की डेथ।